कि वो है कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में हम लोग नॉलेज पढ़ेंगे, और साथ साथ में एमएस ऑफिस के वर्ड या पावर पॉइंट के बारे में नॉलेज पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उस कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस कीबोर्ड के अंदर क्या है, इस कीबोर्ड के अंदर टोटली हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कीज होती है, ठीक है। किसी में 98 होती है, तो किसी मल्टीमीडियम 110 होती है, किसी में 135 कीज होती है, किसी में 100 की हो सकती है, ठीक है। अब इस कीबोर्ड के अंदर किस तरह से क्या क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अभी हमारे सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, इस कीबोर्ड को थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। वैसे तो मैंने इसका बेसिक नॉलेज दिया था आपको कल। ये है एक्सेप्ट की, ये इसको सारी फंक्शंस की बोलते हैं, F1 से लेके F12 तक। इसका बेसिक नॉलेज भी मैं अभी आपको दे दूंगा। इस की को बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन की, इसको बोलते हैं स्क्रॉल लॉक, इसको बोलते हैं पॉज ब्रेक, यानी जो भी ब्रेक देना हो। तो प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, जो भी अभी आपकी स्क्रीन है इसको कंट्रोल, इस कंट्रोल के साथ अगर प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो ये स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन हो जाएगी। ये नम लॉक है, यानी इस नम लॉक के इस कैलकुलेटर को बंद करने के लिए। जब नम लॉक ये चालू होगा तब ये चलेगा, जब ये बंद होगा तब ये नहीं चलेगा। ये कैप्स लॉक, ये दो होती है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये लाइट शो करता है। स्क्रॉल लॉक इन लोगों को बंद करने के लिए, ठीक है। ये इंसर्ट बटन, ये डिलीट बटन, डिलीट करने के लिए, और ये होम, और ये एंड, ये पेज अप, ये पेज डाउन, ये बैक स्पेस की है, ये सारे स्पेशल करेक्टर और न्यूमेरिकल की है इस, और ये टैब, ये कैप्स लॉक है, इसमें सारे अक्षर बड़े हो जाएंगे। ये शिफ्ट है, ये दो होते हैं बेसिकली। इसमें शिफ्ट के साथ ये ऊपर वाले दबाने से कैपिटल लेटर हो जाता है, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। ये कंट्रोल दो होते हैं, और ये विंडो है, इस विंडो को बोलते हैं, ये माउस का लेफ्ट बटन है और ये अल्ट बटन है, ये स्पेस बार है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में बताते हैं नेक्स्ट। इसके साथ साथ मैं आपको पहले तो ये सारे फंक्शंस के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद कीबोर्ड पे टाइपिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और साथ में नेक्स्ट इसमें मेरा अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा माउस के बारे में होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें फंक्शंस की के बारे में। तो फंक्शंस की में F1 क्या करता है, अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी जानना हो, कुछ भी जानना हो विदाउट इंटरनेट, अगर आपको किसी भी फंक्शंस के बारे में, किसी भी प्रोग्राम के बारे में, किसी के भी बारे में पूछना हो, तो सिर्फ और सिर्फ F1 प्रेस करो और आपकी हेल्प के लिए कंप्यूटर हाजिर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। वो बोलेगा नहीं, वो आपको टाइप करके दे देगा। आप अगर पूछोगे एमएस पेंट क्या होता है, F1 दबाओ, उसको पूछो व्हाट इज एमएस पेंट, एंटर मारो, तो वो एमएस पेंट के बारे में बता देगा, ठीक है। फिर F5, ये फाइंड या रिप्लेस या फिर रिफ्रेश करने के भी काम आता है F5। F7 क्या करता है, वर्ड में स्पेलिंग कमांड को दूर, मतलब कोई भी स्पेलिंग एरर हो उसको दूर करता है। F8 क्या करता है, स्क्रीन को LCD प्रोजेक्टर पे लेके आता है। F10 क्या करता है, शो की टिप्स, मतलब टिप्स देता है। F12 क्या करता है, कमांड देता है, यानी फाइल को सेव करने का कमांड देता है। टाइपराइटर कीज होती है, लेटर एम्पटेशन कीज, एडिशनल कीज, इंक्लूड स्पेस, स्पेस बार, शिफ्ट की, ये सारे क्या इसके फंक्शंस की हैं, ठीक है। फिर कर्सर कंट्रोल की, आल्सो कॉल्ड एरो की, ये कर्सर कंट्रोल की को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो की बोलते हैं। टेक कर्सर इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। न्यूमेरिकल पैड, ये न्यूमेरिकल पैड आपने देखा ही। शिफ्ट की, शिफ्ट की इज यूज्ड टू मेक कैपिटल लेटर्स और टू एक्सेस द पंक्चुएशन एंड अदर सिंबल्स ऑन द नंबर कीज एंड अदर कीज। ये कैपिटल लेटर भी कर सकते हैं और ऊपर के स्पेशल कैरेक्टर को भी ले सकते हैं। ऑल्ट की, ऑल्ट की इज यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद द कमांड की फॉर स्पेशल फंक्शंस के लिए यूज आता है। जैसे कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो टास्क मैनेजर आएगा, ऑल्ट प्लस F4 दबाओगे तो कोई भी फंक्शंस को आप हटा सकते हैं। कंट्रोल की कंट्रोल करने के काम आता है, कंप्यूटर का एक फंडा है, जो जिसका नाम है वही उसका काम है। कंट्रोल प्लस F2 दबाओगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 दबाओगे तो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, राइट। अब लॉकिंग की, लॉकिंग की मतलब बंद चालू करना, कैप्स लॉक सारे कैपिटल लेटर हो जाएंगे, नम लॉक सारे कैलकुलेटर ऑन हो जाएंगे। स्क्रॉल लॉक मूविंग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन के लिए। बैक स्पेस यानी अगर कोई गलती हो गई तो उसको हटाने के लिए, डिलीट डिलीट करने के लिए। विंडो की शॉर्टकट है स्टार्ट मेन्यू का, प्रिंट स्क्रीन की पूरी प्रिंट को करने के लिए। एक्सेप्ट प्रोग्राम को बाहर आने के लिए। मेन्यू की, ये मेन्यू की है मतलब कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे तो ये माउस का राइट बटन है, माउस का क्या है राइट बटन है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ ये कंप्यूटर कीबोर्ड्स के ट्यूटोरियल है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से आपको हाथ को रखना है, इस तरह से आपको हाथ को रखना है। अब इस हाथ को रखने के साथ साथ इसमें ASDFG और IJKL सेमीकोलन, फिर इन दोनों बटन को स्पेस बार के अंदर रखना है।
जिससे क्या होगा, आपका कीबोर्ड पे हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए एक वर्ड है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। इसको अगर आप रेगुलरली इस तरह से हाथ रखे अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप 1 वीक के अंदर कीबोर्ड टाइपिंग के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, बस उसके लिए क्या चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। राइट, ये देखिए ASDFG, ये ASDFG के बारे में पूरा, ASDFG। अब जी को ये लेफ्ट वाली जो अंगूठे के पास वाली उंगली उसी को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। ये ASDFG, फिर JKL सेमी कॉलम, फिर स्पेस, इस तरह से आप QWERTYUIOP, इस तरह से आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, मतलब ये जो है, ये जो अभी आपके सामने आ रहा है ये कंप्यूटर के वो सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें एल्ट के साथ कुछ ऐसे चीजें दबाने पे ये सिंबल्स आएगा, अल्ट के साथ ये दबाने से ये सिंबल आएगा, उसके बारे में शो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी आ रहा है, ये देखिए ये आ गया। ये हिंदी के कुछ वर्ड्स है, जैसे ऑल्ट के साथ 039 दबाएंगे तो ये आएगा, ऑल्ट के साथ 0149 दबाओगे ये आएगा। तो इस तरह से ओम लाना है तो ऑल्ट प्लस 2 0 2 3 1 है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक हिंदी का एक लैंग्वेज है कृति देव, वो मैं वर्ड में आपको बता दूंगा, उस तो कृति देव के साथ करना पड़ेगा। और ये एक हिंदी के कीबोर्ड से पूरे के पूरे, इसको भी आप देख लो क्योंकि ये हिंदी का कीबोर्ड से वेरी वेरी मोस्ट है ना। इसका लेटेस्ट वर्जन का भी मैं कीबोर्ड आपको दे दूंगा ताकि आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। राइट, ओके, अभी हम लोगों ने इस कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, अब हम लोग माउस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। माउस वगैरह, माउस में पॉइंटर होता है, यानी ये जो चल रहा है इसको बोलते हैं पॉइंटर। ये जो आपके सामने देखो एक आई आई बनाया हुआ हुआ है, आई, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर, कर्सर भी बोलते हैं। ये देखो, मेड एन आई बीम व्हेन यू आर इन एरिया, जब हम लोग किसी एरिया में होते हैं तो क्या बनाता है, ये आई। लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करना है तो माउस का ये इस तरह से कर्सर आता है। ये देखो, ये राइट क्लिक आ गया और ये लेफ्ट क्लिक आ गया। ये मूव करने के लिए काम होता है ना, ये शो करने के काम आता है। ये क्या है, पॉइंटर से राइट क्लिक डबल क्लिक करने के लिए। ठीक है, ड्रैग करने के लिए, ये सारे ड्रैग करने के काम आते हैं, ये सारे कर्सर्स क्या है, ड्रैग करने। स्क्रॉल बार के लिए बीच वाला जो बटन होता है वो स्क्रॉल बार करने के काम आता है। मिनिमाइज मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के काम आता है, उसमें से ये सारे स्क्रॉल बार अप एंड डाउन करने के काम आता है। ओके, जैसे अगर मैं माउस के पूरे बटन्स की बात कर लूँ, चलो मैं आपको माउस के बटन्स की तरफ भी लेके जाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्या है पूरा लाइव पता चल जाए कि माउस का ये भी बटन होता है, माउस का इस तरह से बटन में यूज किया जाता है। राइट, हर चीज का अगर डीपली ज्ञान लें तो ही हमें समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। आज आप लोग उसके साथ साथ इंटरनेट की नॉलेज भी पढ़ रहे मेरे साथ, है ना।